नमस्कार, नमस्ते महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। नमस्ते महाराष्ट्र में आज होंगी दिन भर की वो खबरें जो महाराष्ट्र में रही सुर्खियों में। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के साथ रिलेशनशिप में रही एक महिला ने पुलिस के समक्ष की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीने से उसके 2 बच्चों को मंत्री ने अपने बंगले में रखा हुआ है और वह उसे बच्चों से मिलने या बात करने नहीं दे रहे हैं। मुंडे ने बुधवार को दिए बयान में कहा कि महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। महिला ने अपने जन्मदिन पर मंगलवार को फेसबुक पर एक कथित तौर पर एक पोस्ट कर मामले की जानकारी दी थी। महिला ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह 20 फरवरी को भूख हड़ताल करेगी। पोस्ट में महिला का दावा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दक्षिण मुंबई के सरकारी बंगले में उसके बच्चों को 3 महीने से छिपा कर रखा है। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय को दी गई लिखित शिकायत में महिला ने दावा किया है कि 14 वर्षीय उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पार्टी के सीनियर नेता नाना पटोले की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नाना पटोले ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब खबर आ रही है कि उनकी जगह पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पटोले की नियुक्ति का औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। पिछले कई दिनों से पटोले के इस पद पर नियुक्ति को लेकर चर्चा थी। पटोले ओबीसी समाज के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और उनकी इमेज एक तेज तर्रार नेता की है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पर नकेल कसने के लिए नाना पटोले को बालासाहेब थोरात की जगह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया है। थोरात के पास महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के अलावा राजस्व मंत्री और विधानसभा में विधायक दल के नेता का भी पद है। एक नेता के पास 3 पद होने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद थोरात ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। यही कारण है कि नाना पटोले को अध्यक्ष पद की पेशकश की गई है। सातारा से बीजेपी विधायक शिवेंद्र राजे भोसले ने एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे को जोरदार धमकी देते हुए कहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हुआ तो भी मैं उन्हें खत्म करने से पहले शांत नहीं बैठूंगा। बता दें कि शिवेंद्र राजे भोसले पहले एनसीपी में थे, 2019 चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। तभी से शशिकांत शिंदे और शिवेंद्र राजे भोसले के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी धमकियों का खास असर नहीं होता, ऐसी धमकियों से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर एक बार वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व पर बीजेपी का एकाधिकार नहीं है, हिंदुत्व सबका है, बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार ना बने। उन्होंने कहा था कि जब देश में स्थिति खराब होती है तो लोग विकल्प खोजते हैं, इसी तरह अब देश में लोग बीजेपी का विकल्प खोज रहे हैं। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुत्व पर किसी का एकाधिकार हो ही नहीं सकता, लेकिन सीएम ये बताएं कि शिवसेना ने हिंदुत्व क्यों छोड़ा। सिर्फ भाषण में हिंदुत्व बोलने से काम नहीं चलेगा, कर्म में हिंदुत्व दिखना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जब हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जनाब ठाकरे हो जाते हैं और शिव गान बंद होता है और अजान शुरू होती है, उस समय हिंदुत्व पर सवाल खड़े होते हैं। बीएमसी ने इस साल के बजट में बेस्ट उपक्रम को पिछले साल के मुकाबले कम धनराशि जारी की है। इस साल बेस्ट को 750 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को कम दर में 403 करोड़ रुपए कर्ज देने का निर्णय लिया गया है। इससे बेस्ट के 3649 कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को मदद मिलेगी। बता दें कि बेस्ट मुंबई में बस और बिजली के साथ बहुत सारी सेवाएं आम मुंबईकरों तक पहुंचाता है। पिछले कई सालों से बेस्ट घाटे में चल रहा है, इसलिए उसे हर साल बीएमसी मदद करती है, लेकिन इस साल मदद में थोड़ी कटौती की गई है। शिवसेना के युवा नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मनसे को टाइम पास पार्टी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है। बता दें कि हाल ही में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने शिवसेना पर वीरप्पन गैंग होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि शिवसैनिक फेरी वालों को बालासाहेब ठाकरे की फोटो दिखाकर हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं। वीरप्पन ने जितना देश को नहीं लूटा था उससे ज्यादा शिवसैनिक मुंबई को लूट रहे हैं। ऐसे में इस बार बीएमसी चुनाव में वीरप्पन का एनकाउंटर होना ही चाहिए।
इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मन से पार्टी है या संगठन पता ही नहीं चलता। इनके कार्यकर्ता खुद पर ध्यान न देते हुए दूसरों पर ध्यान देते हैं, इसलिए मन से एक टाइम पास टोली बन गई है। शरजील उस्मान मुद्दे पर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या शिवसेना का दिमाग फिर गया है जो शरजील उस्मानी के हिंदुत्व विरोधी बयान को किसी अन्य के साथ तुलना कर रही है। आशीष शेलार ने कहा कि एल्गार परिषद में शरजील ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था, उसके बावजूद शिवसेना ने उसे मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर जाने दिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि शरजील उस्मानी को भगाने में महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो पाप किया है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमने शरजील उस्मानी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके बाद शिवसेना कहती है कि हम उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएं तब कार्रवाई होगी। शिवसेना के पास पश्चाताप नाम की कोई चीज है भी या नहीं? शिवसेना नेता विजय नाहटा ने आज नवम्बरी परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल से मुलाकात कर रिक्शा चालकों की समस्याओं पर चर्चा की। विजय नाहटा ने कहा कि परिवहन विभाग रिक्शा चालकों को समय पर परमिशन नहीं दे रहा है। नवम्बरी में करीब 40,000 रिक्शे हैं और परिवहन विभाग रोज मात्र 15 से 20 रिक्शों को परमिशन दे रहा है, उसे रोज कम से कम 100 रिक्शों को परमिशन देनी चाहिए। विजय नाहटा ने बताया कि अधिकारी समय देकर भी काम नहीं कर रहे हैं, काम के बदले पैसे की मांग करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए वरना हम उन्हें शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे। विजय नाहटा ने अधिकारी से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी मांग की जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। जैसे जैसे नवम्बरी मनपा चुनाव करीब आ रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी में तल्खी गर्माती जा रही है। आज शाम केकेआर रोड तुर्बे स्टोर में आयोजित शिवसेना की कॉर्नर मीटिंग और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में इसका नजारा साफ देखने को मिला। यहां वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी पर बीजेपी कार्यकर्ता अनवर शेख द्वारा की गई टिप्पणी से नाराज शिवसैनिकों ने उन पर जमकर हमला बोला। शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि सुरेश कुलकर्णी बीते 25 वर्षों से तुर्बे स्टोर की जनता के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भाषणबाजी कर जनता का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं खुद सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि जो लोग आज मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वो जहाँ भी हैं मेरी वजह से हैं। सुरेश कुलकर्णी ने दावा किया कि यहाँ की 6 सीटों पर शिवसेना प्रत्याशी ही जीतेंगे। मोदी सरकार के उम्मीदों भरे बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वाशी के तुंगा होटल में कल शाम एक बजट सेमिनार का आयोजन किया गया। महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन MCHI केडाई नवम्बरी समेत कई बिल्डर संगठनों द्वारा आयोजित इस सेमिनार में शिवसेना नेता और पर्यावरण प्राधिकरण के नवनियुक्त चेयरमैन विजय नाहटा को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। बिल्डरों को संबोधित करते हुए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने माना कि बिल्डरों के सामने कई चुनौतियां हैं, हालांकि भरोसा दिलाया कि पर्यावरण प्राधिकरण और सरकार के जरिए वे भवन निर्माण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करेंगे। विजय नाहटा ने यहाँ यूनिफाइड DCR पर कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। नमस्ते महाराष्ट्र में आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ ताजा तरीन महाराष्ट्र की खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।